मंडी शहर के भ्यूली चौक पर देर रात नाके के दौरान एक नेपाली मूल के युवक को मंडी पुलिस ने 1 किलो 822 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी से चरस को लेकर कड़ी पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने मनाली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर मंडी शहर के भ्यूली चौक पर नाका लगा रखा था। इस दौरान वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी बीच चंडीगढ़ से मनाली की तरफ जा रही एक हरियाणा रोडवेज की बस से तलाशी के दौरान ये युवक गिरफ्त में आया है। शिमला जिला के तहत रामपुर उपमंडल के झाकरी में 20वें जनमंच का आयोजन किया गया। इस दौरान परिवहन, वन एवं खेल मंत्री गोविंद ठाकुर ने रामपुर के आसपास की 10 पंचायतों से आए लोगों की समस्याएं सुनी और मौके पर ही निपटारा करने का प्रयास किया। जनमंच के दौरान गोविंद ठाकुर ने बताया कि इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम में लोगों का काफी उत्साह बढ़ा है। लोग अधिक संख्या में अपनी समस्याओं को लेकर जनमंच कार्यक्रम में उपस्थित हो रहे हैं। इस तरह के कार्यक्रमों से लोगों को फायदा हो रहा है। इससे दूर दराज ग्रामीण लोगों के घर द्वार पर ही समस्याएं हल हो रही हैं। झाकरी में आयोजित जनमंच में परिजनमंच के माध्यम से 57 समस्याएं आई थी। 50 से अधिक का मौके पर ही निपटारा किया गया। इस दौरान रामपुर के विधायक नंदलाल, पूर्व मंत्री सिंघी राम, भाजपा प्रत्याशी प्रेम सिंह, ब्रिजलाल, भाजपा मंडल अध्यक्ष भीम साइन ठाकुर, जिलाधीश अमित कश्यप, SP उमापति जम्बाल समेत सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। गोविंद ठाकुर ने बताया कि जनमंच में लोगों ने जितनी भी समस्याएं रखी उनको हल करने का प्रयास किया गया। अधिकारियों ने भी इसमें काफी सजगता दिखाते हुए कई समस्याएं जनमंच से पहले ही सुलझा दी थी। इससे मुझे भी संतुष्टि हुई है। जनमंच में अधिकतर लोगों की समस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा ही इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, जो आम जनता के लिए फायदेमंद और हितकारी साबित हुई है। सोलन में GVT प्रशिक्षित बेरोजगार संघ ने सरकार के खिलाफ रैली निकाली। ये रैली कोटला नाला से आरंभ हुई और शहर के मुख्य बाजार से होते हुए मिनी सचिवालय पहुंची, जहां उन्होंने उपायुक्त सोलन के माध्यम से सरकार को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से ये कहने का प्रयास किया कि उनके साथ प्रदेश सरकार बेइंसाफी कर रही है। JVT की पढ़ाई उन्होंने की और उनकी जगह BEd कर चुके युवाओं को नौकरी पर रखा जा रहा है। प्रदेश सरकार हजारों JVT युवाओं को धोखा दे रही है। उन्होंने कहा कि उन्होंने JVT का प्रशिक्षण सुनहरे भविष्य को देखते हुए किया था, लेकिन अब सरकार JVT के बजाय BEd को नौकरियां दे रही है, जिसे वे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और उनका संघर्ष यूं ही जारी रहेगा। इस मौके पर JVT कर चुके संजय ने बताया कि बच्चों को पढ़ाने की शिक्षा उन्होंने JVT के माध्यम से ली, जिसमें बच्चों को किस तरह पढ़ाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी नौकरी पर उन्हें नहीं रखा जा रहा है। तो ये है कि उनकी बजाय BEd कर चुके युवाओं को उनके स्थान पर नियुक्त किया जा रहा है, जो कि तर्क संगत नहीं है। उन्होंने कहा कि जब अन्य राज्यों में भी JVT कर चुके प्रशिक्षुओं को प्राथमिकता दी जा रही है, तो हिमाचल में उनसे किस लिए भेदभाव किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि JVT और BEd को समक्ष समझना बेहद गलत है। अगर सरकार अपनी मनमानी करती है तो हजारों JVT युवा बेरोजगार हो जाएंगे।